भारत के युवा आज आसमान छू रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की चमक देश के आत्मविश्वास को भी चमका भी रही है और चमत्कार का अनुभव भी करा रही है। दुनिया का सबसे युवा देश खेल के मैदान में भी एक ताकत बनकर उभर रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, उसमें हमारे खिलाड़ियों ने इस बदलाव को साबित किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने पहली बार 7 मेडल जीते हैं। यही रिकॉर्ड भारत के बेटे बेटियों ने टोक्यो पैरालंपिक्स में भी बनाया। भारत ने इस वैश्विक प्रतियोगिता में 19 मेडल जीते, लेकिन साथियों ये तो शुरुआत है। न हिंदुस्तान रुकने वाला है, न हिंदुस्तान थकने वाला है। मुझे मेरे देश की युवा शक्ति पर भरोसा है, मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों की तपस्या पर भरोसा है, मुझे मेरे देश के युवा खिलाड़ियों के सपने, संकल्प और समर्पण पर भरोसा है। और इसलिए आज मैं लाखों युवाओं के सामने हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि भारत की युवा शक्ति इसे बहुत आगे लेकर जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब हम कई खेलों में कई गोल एक साथ जीतने वाले देशों में हिंदुस्तान का तिरंगा भी लहराता होगा। साथियों, इस बार यूक्रेन से जो नौजवान वापस आए हैं, युद्ध के मैदान से आए हैं, बम गोलों के बीच से आए हैं, लेकिन आकर के उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आज तिरंगे की आन बान शान क्या होती है, ये हमने यूक्रेन में अनुभव किया। लेकिन साथियों, मैं एक और दृश्य की तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। जब हमारे खिलाड़ी मेडल प्राप्त करके पोडियम पर खड़े रहते थे और जब तिरंगा झंडा दिखाई देता था, भारत का राष्ट्रगान होता था, आपने टीवी पे देखा होगा, हमारे खिलाड़ियों की आंखों से हर्ष के, गौरव के आंसू बह रहे थे। ये होती है देशभक्ति। साथियों, भारत जैसे युवा देश को दिशा देने में
आप सभी युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। आने वाले कल को युवा ही गढ़ सकता है और वही गढ़ सकता है जो उसके लिए संकल्प लेता है और संकल्प के साथ समर्पण से जुट जाता है। आज इस खेल महाकुंभ में गुजरात के अलग अलग इलाकों से, गांव से, शहर से, कस्बों से आप लाखों युवा यहां एक साथ जुड़े हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपके सपनों में आपके क्षेत्र का भविष्य देखता हूं, आपके जिले का भविष्य देखता हूं। मैं आपके सपनों में पूरे गुजरात और देश का भविष्य देखता हूं और इसलिए आज स्टार्टअप इंडिया से लेकर स्टैंडअप इंडिया तक, मेक इन इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल तक, नए भारत के हर अभियान की जिम्मेदारी भारत के युवाओं ने खुद आगे बढ़कर उठाई है। हमारे युवाओं ने भारत के सामर्थ्य को साबित करके दिखाया है। मेरे नौजवान साथियों, आज सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस पावर तक, डिफेंस से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर फील्ड में भारत का दबदबा है। दुनिया भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में देख रही है। भारत की इस शक्ति को स्पोर्ट्स स्पिरिट, खेल दिली कई गुना बढ़ा सकती है। यही आपकी सफलता का भी मंत्र है और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जो खेले वो ही खिले। मेरी आप सब युवाओं के लिए भी सलाह है, सफलता के लिए कभी कोई शॉर्टकट मत खोजिएगा। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, कुछ लोग ब्रिज पर से जाने के बजाय पटरी क्रॉस करके जाते हैं, तो वहां रेलवे वालों ने लिखा होता है, शॉर्ट कम विल कट यू शॉर्ट। शॉर्टकट का रास्ता बहुत अल्पजीवी होता है। साथियों, सफलता का केवल एक ही है, उसका एक ही मंत्र है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस कमिटमेंट। न एक जीत कभी हमारा आखिरी पड़ाव हो सकती है और न ही एक हार।